पे तो पूरा मैंने फुल कर रखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पहले रोटेशन है 45 डिग्री, डू वी एग्री? यस सर, उसके बाद रोटेशन है 90 डिग्री, डू वी एग्री? यस सर, उसके बाद रोटेशन है 135 डिग्री, डू वी एग्री? फिर यस कितना रोटेशन होगा? सर, सर 180 डिग्री, 180 डिग्री। 180, सो इट विल बी बी पार्ट। नेक्स्ट, यस सर। सो 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5, और ई की रैंक होती है 5। 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, डी की रैंक है 4। ओके सर, तो फोर अंडरस्टूड। माइनस थ्री इज 1, सो ए इज रैंक इज 1। ओके सर, जब भी बेटा अल्फाबेट्स और नंबर्स आया करें, इजॉटी आंटी को हेलो कर दिया करो, ठीक है? ओके सर। मास्टर स्टार्ट योर कैमरा। सर माय कैमरा इज ऑन बट देयर इज अ ब्लैक स्क्रीन कमिंग। ओके, चाइल्ड रीवा अद्विका एंड रे स्टार्ट योर कैमरा। रे मिस्टर रयान, सो क्वेश्चन 3 में डाउट। नो सर, नो सर, नो ये सर, आई थिंक सिंगर आपका रॉन्ग था। यस सर, डू यू हैव अ डाउट? सिंगर बेटा, कैन आई टेल यू वन थिंग? यू स्कोर्ड द लीस्ट इन टुडेज टेस्ट, सर, एंड बेटा यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, और आप जल्दी से सबमिट कर देते हो। बेटा दिस इज, आई डोंट वांट दैट इन माय क्लास। यस एंड राइजा, इवन यू डिड नॉट डू गुड बेटा। यस सर, आई नो, आई ट्राई टू डू माय आंसर्स अगेन सर। मेरे 2 मार्क्स ज्यादा आने चाहिए थे। आर स्कोर्ड मोर देन पी एंड यू ओनली। तो गाइज, अगर मैं पी और यू से ही ज्यादा है आर के स्कोर, मोर देन पी एंड यू ओनली, तो पी एंड यू मेरे लास्ट में आ गए ऑलमोस्ट, और आर यहाँ आ गया। डू वी एग्री? यस और नो? यस एस सर, स्कोर्ड लेस देन ओनली क्यू, तो क्यू टॉप पे आ गया, एस यहाँ पे आ गया। एस स्कोर्ड लेस देन ओनली क्यू, एस स्कोर्ड मोर देन आर, वो तो पता ही है। टी डिड नॉट स्कोर द लीस्ट, तो टी कहीं बीच में यहाँ कहीं फिट हो जाएगा टी। टॉप बेटा बट यहाँ लिखा है ना एस स्कोर्ड लेस देन क्यू ओनली, इसी से ही मुझे टॉप का पता चल जाता है, और कुछ जरूरत ही नहीं है। टॉप ऑल्सो, ओके सर, टू सेम, का बट पता चल टी कैन जाता नॉट कम आफ्टर आर बिकॉज 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 आर आर स्कोर मोर देन पी एंड यू ओनली। यस सर, यस, तो टी भी बीच में ही आएगा। ओके बट आई एम नॉट कंसर्न अबाउट टी, मेरा कंसर्न फर्स्ट टू से ही है। ओके, सो क्वेश्चन 4, एनी डाउट? नो सर, नो सर, क्वेश्चन नो 5, सर, नो 6, सर, नो सर, बेटा यू वी डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, ओ सेम रहता है, आर के बाद एस आता है, एल सेम रहता है, डी के बाद ई आता है। आपने यस नीचे लिखा था ऐसे जैसे मैं बताता हूं, ऐसे नीचे लिखो, लिखा था सर, आपने? यस सर, आपको समझ में नहीं आया पैटर्न कि सर यू आदमी वी सर, डब्ल्यू एक्स आर एस डी ई? अगर ने आपको समझ में नहीं आया ये पैटर्न, सर आई अंडरस्टूड यस द, बट सर फॉर ब्रेक इट विल बी दैट ओनली बिकॉज एस देख इज, लेते हैं। बी के बाद सी, आर सेम, ई के बाद एफ, ए सेम, के बाद एल। व्हाट डू यू से? सर वी यूज द नेक्स्ट, बेटा देखो, इसके बाद प्लस वन किया इसमें मैंने, ये सेम हो गया। ई के बाद प्लस वन किया, ए सेम हो गया, के बाद प्लस वन कर दिया, सेम मैं यहीं पे तो कर रहा हूं। ओके सर, आई डिडंट सी दैट वी आर के प्लस वन। प्लस वन नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? सेवेंथ नो डाउट, सर, नो सर, एट, नो सर, इसमें क्या बात है, ये दिख तो रहा है हमें। आप बताओ कौन से ऑप्शन में डाउट है सिंगर? सर आई हैव एन ऑप्शन, सर आई थिंक टी,
यस सर, दिस वन कहाँ प्लीज। पे दिख रहा है आपको, एनोटेट करो, बताओ मुझे कहाँ दिख रहा है, बताओ मुझे, एनोटेट करो। सर समवेयर ओवर हियर। समवेयर से नहीं होता ना, इट शुड मैच लाइन बाय लाइन। आई शोड यू, आई कैन ड्रॉ लाइन बाय लाइन। समवेयर क्या ओके होता है? समवेयर कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली दिख रहा है तो मुझे बताओ आप। सर, नो नॉट एग्जैक्टली। फिर बेटर देन यू शुड हैव ट्राइड अगेन। इफ यू डिड नॉट गेट द एग्जैक्ट शेप, व्हाई डिड यू सबमिट योर आंसर फॉर दिस? यू हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। सर यस, बट ओके, नाइन्थ क्वेश्चन डाउट, आई कुडंट फाइंड टेंथ, इट इन नो सर, नो सर, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, नो सर, नो सर, नो सर, थर्टींथ, यस यस सर, यस सर, मदर, पेंटर एंड आंसर। तो गाइस आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? सर, डी पार्ट, डी बी पार्ट, पार्ट, डी पार्ट, शुड बी डी बी पार्ट, पार्ट, डी पार्ट, बी 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 पार्ट, इज द करेक्ट आंसर। बी तो करेक्ट आंसर है ही, तो क्या प्रॉब्लम है? सर डी डी कैसे, डी कैसे होगा? सर, पेंटर वाई एंड सर दे कैन नॉट बी टुगेदर। वाई वाई क्यों? ये देखो, ये मदर है, ये पेंटर है, ये डांसर है। अब दीज आर मदर्स हु आर डांसर्स, दीज आर पेंटर्स हु आर डांसर्स, दीज आर मदर हु आर पेंटर्स, और बीच में हु आर मदर्स पेंटर्स डांसर्स। क्या प्रॉब्लम है इसमें? बीच में क्या बोल रहे हो आप? बीच में मदर एंड मदर तो मतलब कोई डांसर पेंटर नहीं हो सकता? टेल मी यस गाइस, देन बी इज द अंडरस्टूड करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टूड, नॉट अंडरस्टूड? अंडरस्टूड क्वेश्चन 14, यस सर, यस, यस सर, तो फोर्टींथ में गाइस, बाहर जो है पॉलीगन उसमें फोर साइड्स हैं, अंदर थ्री है। बाहर फोर है, अंदर फाइव है। बाहर फोर है, अंदर सेवन है। तो यहाँ पे फोर और फोर है, सो दिस इज द ऑड वन आउट। ओके सर, ओके, क्वेश्चन 15th, नो सर, नो सर, नो सर, क्वेश्चन 16th, नो कॉमन सर, दिस सिनेरियो नो सर, प्राइम नो सर, फैक्टर। बेटा सम ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, अगर आपको प्राइम फैक्टर्स करने हैं तो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। आई गॉट 242, 221, 2, नहीं देन 37। सेवन वन, एंड वेन आई विल डू ऑफ 315, फर्स्ट लेट मी स्टार्ट विद 5, आई विल गेट 63, देन आई विल गेट वॉट, 7, 9, वी कैन बी देयर थिंग। 3, 3 एंड 3, 1। सो आई हैव गॉट 1, 3 कॉमन, 1, 7 कॉमन, सो टोटल माई सम विल बी 10। ओके ओके, CR7 पे अटेंशन बेटा, डोंट मेक फेसेस। क्वेश्चन 17th में डाउट होगा, यस लास्ट में ले सर, लेते हैं ये। क्वेश्चन यस सर, नो सर, 18th में डाउट, नो सर, नो, नो 19th, सर, नो सर, 20, यस यस सर, यस सर, पूनम यस सर, यस सर, स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट सी एंड रीचेस पॉइंट आई, यहां से आई। शी ओनली मूव्स इन ईस्ट, मतलब ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स शी टेक्स द 90 डिग्री टर्न। 90-degree टर्न? अच्छा, वॉइल वॉकिंग थ्रू पॉइंट्स डी ई एफ जी एच, मतलब शी वेंट हेयर, 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 हेयर एंड हेयर।
तो पहला राइट टर्न यहाँ लिया, यस सर, देन राइट टर्न यहाँ लिया, यस 90 डिग्री टर्न है, इट कैन बी राइट और लेफ्ट एनीथिंग। 3, 4, 5, 5 आंसर है क्या? सॉरी, फोर 4 है, कुछ मिस किया है। सर, देर आर ईस्ट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस सर वेस्ट तो कहीं लिया ही नहीं। वेस्ट सर तो नहीं लिया। मैं एक बार इसको चेक करता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं। सर आई ओनली हैड अ डाउट इन दिस क्वेश्चन। हाँ, अगर गाइस ये अगर हम इस पाथ से चले जाएं, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये बन गई बात गाइस, 1, 2, 3, 4। सर पर उस बात से भी तो जा सकते हैं यस ओ बेटा, इन्होंने मिनिमम दैट बोला इज है ना, मिनिमम मिनिमम। बोला है, सो हाँ वी हैव टू कंसिडर दिस। गॉट इट? यस सर, ओके, नेक्स्ट सर वन। सर दिस इज द ओनली वन आई हैड अ डाउट इन, कैन आई लीव नाउ? यस, यस सो हाउ मेनी शेप्स ऑफ द, ये डाउट है किसी को? यस सर 2/5 ऑफ द यस फिगर इज अनशेडेड, तो टोटल कितने हैं? 5, 10, 15, 20, 25। सो 2/5 ऑफ 25, पेन मेरा लीक कर रहा है, 25, इट मीन्स दैट टोटल हाउ मेनी? 10। सो 10 शुड बी अनशेडेड, 10 शुड बी अनशेडेड, तो शेडेड कितने होने चाहिए? 15। फिफ्टीन अंडरस्टूड? यस सर यस ट्वेंटी सेकेंड में डाउट, नो सर, 23rd, नो इट आई बाय चांस तो क्लिक राइजा कर यू हैड अ डाउट इन दिस। सर। यस सर आई हैड टू आस्क यू तो दैट। ये, एक मिनट रुक जाओ, ये 1.4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0.7 हो गया, ये 0.5 हो गया। गाइज, यस अब मैक्सिमम वेट इंक्रीज कब हुआ है आप मुझे बताओ? अक्टूबर में फ्रॉम सितंबर 1st सेप्टेंबर और सितंबर आई गेस। टू 30th सेप्टेंबर में जो वेट इंक्रीज हुआ है, दैट इज 1.4 kg, इट इज द हाईएस्ट। किसी भी मंथ में उसने इतना वेट वेट पिकअप नहीं किया। गॉट इट होना चाहिए बेटा? आंसर। अक्टूबर में तो बढ़ गया था, यस सर अक्टूबर में तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ था, उसका एक दिन में थोड़ी बढ़ गया 1st अक्टूबर, जब आपने रात से सुबह तक में बढ़ गया, उसका इंक्रीज तो सितंबर मंथ में हुआ होगा। ओके लेट से आपने अपना वेट सितंबर में किया, इट वाज 23.6, फिर आपने 1st अक्टूबर को किया 25, तो आप क्या बोलोगे? मेरा सुबह सुबह वेट बढ़ गया, ऐसा बोलोगे, या ये बोलोगे मेरा लास्ट मंथ वेट बढ़ा है? सर लास्ट में अंडरस्टूड? यस सर सो 24th, 25th, नो सर 26th भी कल बताऊंगा गाइस, बाकी कल करते हैं, आई हैव सर अनदर सर क्लास। 26th वाज अ गेस बिकॉज आई आई डिडंट विल हैव मच एक्सप्लेन इन द टाइम नेक्स्ट सर। क्लास, 26 to 30, और एक क्वेश्चन बचा है, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट 24th क्लास। में भी ओके सर बाय 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 गाइस, बाय सर बाय बाय सर बाय सर बाय। बाय सर।